सब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग दोबारा से सहरी से शुरू होता है। आज सहरी में थे हमारे पास फ्राई नान, बेसन वाले नान थे जो कि बहुत ही मज़े के थे, और साथ में था वो सामने बहुत ही मज़े का बनाया था दही के अंदर धनिया चॉप करके रायता, जो कि बहुत ही मज़े का था। और अगर आप लोगों को ना याद हो तो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले दही भल्ले बनाए थे जिसके साथ एक मसाला मिलता है। उसके बाद हमें सुबह उठे थे, उसकी रूटीन भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना सुबह हो गई थी और मैं उठ गई थी अपने बिस्तर से, और ये आप लोगों को पता ही कि आजकल मतलब रोज़ रोज़ मैं कितने को बजे उठती हूँ, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10। तो यहाँ पे जो है अपने बाल अच्छी तरह से बांध के फेस वगैरह वॉश कर रही थी मैं, और अपने आप को जगाने की, अपने आप को होशो हवास में रखने की पूरी कोशिश हो रही थी। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। ये लग पाता आप लोग मुझे मुँह लगाना भी पसंद नहीं करते, बट स्टिल अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी टाइम है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के रोज़े किस रंग के गुजर हैं, और अगर नहीं बताना तो ना बताएं। यहाँ पे जो है अच्छी तरह से फेस वॉश कर लिया था, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे टीवी लाउंज में, अपना फेस वगैरह खुश कर लिया था टॉवल से। और आप प्लीज़ मुझे स्किन केयर की टिप्स ना देना शुरू हो चुके, ओह माय गॉड, डू नॉट यूज़ टॉवल वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो है मैं अपने बाल ब्रश कर रही थी, और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मुँह क्यों हिला रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। हाँ जी, मैं एक नंबर की साइको हूँ। यहाँ पे मैंने वाइजलिन लगाया था अपने लिप्स पे, उसके बाद लगाया था लिप ग्लॉस, हम जो भी बोलते हैं। यहाँ पे ना ये देखना मेरे माथे पे ये जो बाल नज़र आ रहे हैं ना, ये पता नहीं कैसे खुद ही आ गया था, और मैं खुद ज़्यादा हैरान हो रही थी। मैंने खुद ही ब्रश से निकाल के अपने बाल मतलब माथे पे सेट किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। अच्छा खैर, उसके बाद ना यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, और यहाँ पे ना बारिश होना शुरू हो गई थी। लग बात है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है फिर भी बारिश हो जा रही है, बारिश होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल वेदर को। तो मैं जल्दी से ना नीचे आ गई थी क्योंकि मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पे जो है लाइट चली गई थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान में बारिश और लाइट ना जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आज इफ्तारी में ना मैंने टिकटॉक पे, ऑब्वियसली आप लोग आजकल टिकटॉक इंस्टा कुछ भी खोले सामने आपको 7-10 रेसिपी मिल ही जाती हैं, तो मैंने एक रेसिपी देखी थी जो कि बहुत ही मज़े की थी, तो वो मैंने ट्राई करनी थी आज, जो कि मैं आप लोगों को इस व्लॉग में नहीं बताऊँगी, टिकटॉक इंस्टा पर जाके देख लेना। उसके बाद उसके लिए ना मुझे आलू बॉयल करने थे, मटीरियल बनाना था, तो इस वजह से जो है मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे सिंक में, जो कुछ भी बर्तन वगैरह पड़े उनको इग्नोर मारना अभी वो। हाँ, मैंने वॉश कर लिए थे साथ साथ, ऑब्वियसली जब आप इफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं तो साथ साथ बर्तन तो लगते ही हैं, तो इस वजह से मैं बर्तन जो है साथ साथ वॉश कर रही थी। और आज ना इफ्तारी के बाद जो खाने में था ना, इफ्तारी में नहीं खाने में था आज दाल चावल, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से ना दाल चावल नहीं खाए, तो इस वजह से जो है मामा ने बनाए थे दाल चावल। और अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं वैसे नहीं कि मुझे दाल चावल बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो उनसे वाली दाल मामा बना रही थी मुझे ऐसे भी पसंद है। इफ्तारी का टाइम हो गया था और उसकी रूटीन भी देख लें। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है इफ्तारी का टाइम हो गया था, और ये जो मटेरियल है ये तैयार हो गया था। मटेरियल ज़्यादा हम लोगों ने इसलिए रखा था क्वांटिटी में क्योंकि हम लोगों को समोसों के लिए भी चाहिए था, और जो मैंने चीज़ बनानी थी ना ब्रेड का था और आलू का, आलू ना उसका नाम क्या होगा, आलू सैंडविच जो भी कह लें आप लोग, उसके लिए भी चाहिए था। तो यहाँ पर जो है शवाजे समोसे की शेप देख के पता चल गया होगा कि शवाजे जो है वो समोसे बना रही थी, समोसों को शेप दे रही थी, और मुझे ना यहाँ पर ब्रेड क्रम्स चाहिए थी, तो मैं उसके ना क्रम्स बना रही थी। लेकिन अलग बात है कि रुशे ने कहा था कि पहले से पड़े हुए, तो ये ना क्रम्स मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, और जो पहले से पड़े हुए थे मैंने वो यूज़ किए थे। यहाँ पे जो है मैदा की हम लोगों ने पेस्ट बना ली थी, और यहाँ पे ना किचन साथ साथ में साफ़ कर रही थी क्योंकि चीज़ें जो है वो बिखरी जाती हैं, टिश्यू को क्या हो रहा है, बिखरी जाती हैं ऑब्वियसली जब ये इफ्तारियाँ सहरी की तैयारी कर रहे हो, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर ना चीज़ें जो है बिखरी हुई थी वो सेट कर रही थी। और किचन वगैरह सेट करने के बाद जितनी भी हमारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई थी उनको ना एक जगह पर लगा लिया था ताकि जैसे ही इफ्तारी का टाइम हो और चीज़ें फ्राई करनी हो तो हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो मैंने बनाया था ये भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थे हमारे पास वेजिटेबल रोल्स थे और साथ थे समोसे, आलू समोसे थे। और यहाँ पे ना मैं पकोड़ों के लिए जो है आलू छील रही थी, और जो पकोड़े जो है वो हम लोगों ने, पकौड़े नहीं सॉरी फ्राइज़। और यहाँ पे ना मैं इन रोल्स की वीडियो लेना चाह रही थी, लेकिन अगर आप लोगों को नज़र आ रहा तो ये ना बार बार छींटे मार जा रहे थे मेरी तरफ, तो मैंने ना बाजुओं पर छींटे पड़ी जा रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। एक सेकेंड, मेरा ना पास्ता बॉयल की तरफ मैं आती हूँ, एक सेकेंड। हाँ
अच्छा खैर, यहाँ पे ना मैं पास्ता वगैरह खा के फारिग हो गई, तो अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी अपना वॉइस ओवर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ तैयार है। यहाँ पे पकोड़ों का, जो पकोड़े नहीं आज बनने थे फ्राइज, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा ना बेसन डाला था और थोड़ा सा मैदा डाला था, वो फिर ना बड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो उसके बाद ना आज मेरे एवी ना मतलब कोई रीज़न भी नहीं था, बट ऐसे ही ना इफ्तारी के लिए तैयार होने का दिल कर रहे थे, मेकअप वगैरह पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी। और यहाँ पर दूसरी जगह जो है फ्राई करना शुरू हो गए थे हम लोग चीज़ें इफ्तारी के लिए। और यहाँ पे मैं इतनी नंबर वन की छपरी लग रही हूँ ना, बहुत ही अजीब लग रही हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना आता। ओ माय गॉड, आई एम नॉट लाइक अदर, ओके आई एम सॉरी। उसके बाद यहाँ पे मैं चीज़ें, मैं नहीं अनुषा जो है वो चीज़ें वगैरह फ्राई कर रही थी, जो मैंने नहीं बनाए थे, आलू सैंडविच विद ब्रेड्स एंड ब्रेड क्रम्स। वो उसकी ना रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी टिकटॉक या इंस्टा पे, तो वहाँ जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो वो जो है हम लोग साथ साथ फ्राई कर रहे थे, और जब भी ब्रेड फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो हम लोगों ने आँच जो है नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ की होती है ऑयल की, ताकि जो ब्रेड है ना वो ज़्यादा ऑयल ना पिए, क्योंकि जो ब्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा और जल्दी ऑयल पीती है, तो इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने साथ साथ जो है टेबल लगाना शुरू कर दिया। शाज़े जो है सबकी प्लेट्स बना रही थी, सब सारी चीज़ें रखती थी प्लेट्स में, और आप लोग देख सकते हैं आज थे वेजिटेबल रोल, समोसे थे, आलू वाले पकौड़े थे, और वो जो मैंने बनाए थे ना आलू सैंडविच वो थे। इफ्तारी कर ली थी, और यहाँ पे इफ्तारी करने ली थी, कंप्लीट नहीं हुई थी अभी, मतलब बीच में ऑब्वियसली छोड़ के जो है मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आई थी। और उसके बाद इफ्तारी के बाद की रूटीन भी आप लोग देख सकती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे ना इफ्तारी की बात की रूटीन है कि जो भी बर्तन वगैरह पड़े होते हैं ना, जो ब्राउन टेबल होता है उसमें मेरे बाकी डंगर बहन भाई खा रहे होते हैं, ये जो है ना ये ग्रे वाला टेबल, इस पे मैं, मेरी मामा और मेरी बड़ी बहन होती है। तो यहाँ पे ना बर्तन जो है वो उठा लिए थे मैंने, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, और टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पे ना जो मेरा छोटा भाई वो दूध लेके आया था दुकान से, तो बहुत ही ज़्यादा दूध लेके आया था, जो मैंने उसको पूछा भी था, कहता है कि हम लोग हैं एक नंबर के लेजी, और कल का हम लोग दूध लाए नहीं थे, तो इस वजह से इकट्ठा ही ले आए आज। और आप देख सकते कितना ज़्यादा दूध है, सॉस पैन जो है वो पूरा भर गया था। अच्छा खैर, और यहाँ पे जो है हम लोगों ने दूध से अच्छी तरह से सॉस पैन भर लिया था, और मैंने ना चाय बनानी थी, तो साथ से जब तक चाय बन रही थी ना, मैंने सोचा था कि आज जो है शेल्फ साफ़ करूँगी, तो सरफ वगैरह डाल के जारी से अच्छी तरह जो है शेल्फ रगड़ रगड़ के साफ़ की थी, क्योंकि जब भी हम लोग इफ्तारी सहरी वगैरह बना रहे होते, तो बेसन आटा मैदा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो गिर जाती हैं, तो इस वजह से जो है शेल्फ जो है वो गंदी हो जाती है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कुछ बनाने का, उसके ऊपर दिल ही नहीं करता, बिकॉज आई एम ए वेरी सफाई पसंद लड़की। तो जैसे मैं शेल्फ साफ़ करती, तो मुझे ना शुमछड़क की आवाज़ आनी शुरू हो गई, मुझे पता चल गया था कि जो चाय है हमारी वो से पहले कि उबल जाए उसको पकाना शुरू कर देते हैं। तो चाय जो है वो मैंने जल्दी जल्दी से पका ली थी मामा के लिए और शाम के लिए, और मैं आप लोगों को ये कोई हज़ारवीं दफ़ा बता देती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती। तो चाय जो है वो इससे पहले कि उबल जाती, हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से पका लिया था, और साथ साथ जो शेल्फ थी हमारी जो डूबी कंटीन्यून पड़ी हुई थी वो मैंने साफ़ कर ली थी, और जो चाय है वो दोनों को ग्लास में डाल के, कप में डाल के दे दी थी पुन के। और उसके बाद जो है किचन का सारा काम वगैरह ख़त्म कर लिया था, और यहाँ पे जो है व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। खुदा हाफिज़ बे।